नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। 2022 मारुति एक्सल 6 फेसलिफ्ट लॉन्च। नए फीचर्स और इंजन के साथ आई मारुति की प्रीमियम कार, जाने कीमत और पूरी डिटेल्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मारुति सुजुकी एक्सल 6 2022 को गुरुवार देश में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। मारुति की लेटेस्ट एक्सल 6 में एक्सटीरियर प्रोफाइल में कई विजुअल अपडेट किए गए हैं। खास तौर पर इस कार के केबिन में अपडेट फीचर लिस्ट और एक नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। एक्सल 6 मारुति सुजुकी अर्टिगा 7 सीटर एमपीवी का एक प्रीमियम 6 सीटर वर्जन है। एक्सल 6 को पहली बार 2019 में बाजार में लाया गया था। मारुति ने अर्टिगा को भी इस महीने की शुरुआत में अपडेट किया है, लेकिन नई अपडेट एक्सल 6 मारुति को एक बार फिर एमपीवी सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे अब किया कैरेंस भी शामिल है। लेकिन जहां कैरेंस की कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक के प्राइस रेंज में आती है, वहीं एक्सल 6 की कीमत अभी भी कुछ ज्यादा लग सकती है। नई मारुति एक्सल 6 में नेक्स्ट जनरेशन का के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 103 एचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑल न्यू 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति का यह भी दावा है कि एनवीएच लेवल पर बेहतर कंट्रोल है। कम उत्सर्जन और गियर बदलने के ज्यादा विकल्प कार के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। एक्सल 6 को 3 वेरिएंट जेट अल्फा और अल्फा प्लस में पेश किया जाता है। इस कार को मारुति के प्रीमियम नेक्सा नेटवर्क के जरिए बेचा जाता है। 2022 मारुति सुजुकी एक्सल के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जेट वेरिएंट की शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपए तय की गई है, जो डुअल टोन कलर थीम वाले अल्फा प्लस वेरियंट के लिए 14 लाख रुपए तक जाती है। मारुति सुजुकी ने एक्सल 6 फेसलिफ्ट के लिए बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। इस कार को 11,000 रुपए के शुरुआती भुगतान के साथ बुक किया जा सकता है। इस प्रीमियम एमपीवी कार को खरीदने के इच्छुक ग्राहक किसी भी नेक्सा शोरूम या आधिकारिक नेक्सा वेबसाइट पर लॉगिन करके इसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट एक्सल 6 की बात करें तो इसके एक्सटीरियर बॉडी स्टाइल में कई छोटे लेकिन अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल को ज्यादा क्रोम गार्निश के साथ अपडेट किया गया है। कार के साइड और रियर में एडिशनल क्रोम गार्निश मिलता है। साथ ही यह कार अब डुअल टोन वाले 16 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स के साथ आती है। एक्सल 6 का केबिन हमेशा से इसकी खूबियों में से एक रहा है। इसमें हमेशा की तरह 6 लोगों के लिए एक बड़ा केबिन मिलता है। कंपनी ने फीचर्स और सुविधा दोनों के लिहाज से इसे अपडेट किया है। मारुति ग्राहकों की लंबी समय से वेंटिलेटर फ्रंट सीट की मांग रही और एक्सल 6 इस फीचर को शामिल करने वाला ब्रांड का पहला मॉडल बन गया है। एक्सल 6 में 7 इंच का एक अपडेट डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। लगभग 40 कनेक्टेड फीचर्स के साथ सुजुकी कनेक्टेड मॉडल में अपनी जगह बना रहा है। वाहन मालिक कार से जुड़े विभिन्न आंकड़ों को रिमोट तरीके से देख सकते हैं। नई एक्सल 6 एमपीवी कार में कई अहम सेफ्टी फीचर्स अपडेट मिलते हैं। इस फीचर लिस्ट में 360 डिग्री कैमरा शामिल है, जिसे पहली बार इस साल की शुरुआत में अपडेटेड बलेनो में देखा गया था। मारुति एक्सल 6 लेटेस्ट हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें 4 एयर बैग, डुअल फ्रंट और डुअल फ्रंट साइड ABS और EBS स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा कम दबाव की चेतावनी देने वाला टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसे कई अन्य फीचर्स शामिल किए गए हैं। भारतीय कार बाजार में मारुति एक्सल 6 एमपीवी का सीधा मुकाबला किया कैरेंस से है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एक्सल 6 का मुकाबला रेनॉल्ट ट्राइबर, महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी और हुंडई अल्काज़ार से भी है, जो वेरिएंट के आधार पर अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।